अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्लेग्राउंड गेमिंग को और बेल आइकन भी दबाइए, नहीं तो मैं ग्रैनी को बुला दूंगा। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? ओए मुन्ना जेफ द किलर, अरे ये तो हम पहले भी खेल चुके हैं। भयो इसमें नया अपडेट आया है। ओए कैसा अपडेट? भयो इसका पूरा घर ही बदल गया है। चलिए आपको दिखाता हूँ, आप मार खाने के लिए तैयार रहिए भैया, क्योंकि हमला करने वाला है जेफ। ओए कहाँ है जेफ? अरे दिखा तो सही है, ये कहाँ से आ गया मुन्ना? भयो पीछे से इसने हमला किया और हमें अपने घर में कैद कर लिया है। और मुन्ना दोस्तों को बता दे। हाँ भैया दोस्तों को बताता हूँ कि प्लीज़ अपने फ़ोन की ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम जेफ द किलर के घर से एक बार फिर भागेंगे। ये क्या है? ओए मुन्ना ये तो छिपने की जगह है, चल बाहर चल, देख दरवाजे के पीछे क्या है। हे भैया ये तो बंद है, और इसे कैसे खोलें? भैया इसे खोलने के लिए शोर मचाना होगा और जेफ खुद अपने हाथों से ये दरवाजा खोलेगा। हम ओए मुन्ना ये लकड़ी यहाँ फेंक। हाँ भैया ये फेंकाना आवाज़ हुआ। हम ओए मुन्ना वो जेफ कहाँ है? भैया वो थोड़ी ही देर में आ जाएगा, उसके आने के पहले हम अंदर घुस जाते हैं ताकि वो हमें ना देख पाए। ओए मुन्ना यहीं छुपा रहा है और उसके आने का इंतजार कर, वो जैसे ही आएगा तू पीछे से भाग जाना। हाँ भैया वही मैं भी सोच रहा हूँ, थोड़ा रिस्की है पर करना तो ज़रूरी है। ओए मुन्ना ये देख वो आया और तू चला बाहर। हाँ भैया उसने हमें नहीं देखा है, वो जैसे आया मैं पीछे से भाग गया, मैं हूँ काफ़ी स्मार्ट। ओए मुन्ना तू तो सही में काफ़ी स्मार्ट है, एक काम कर ये दरवाज़ा खोल, अंदर देख क्या मिलता है। हाँ भैया देखूँगा ना। ये क्या है भैया? ओ ये क्या है? हे भैया ये तो एक चाबी मिली है। ओए मुन्ना ये किसकी चाबी है और ये क्या रखा हुआ था? भैया पता नहीं क्या रखा हुआ था, बाद में आके देखूंगा। ओए मुन्ना इस चाबी से तू क्या खोलेगा? भैया ये इससे मैं मेन डोर में एक लॉक खोलूंगा। ओए तो देर किस बात की, चल जल्दी से जाके पहला लॉक खोलते हैं। हाँ भैया टोटल 3 या 4 लॉक हमें खोलने हैं, ये देखिए पहला लॉक खोल दिया हूँ। ओए मुन्ना अब तुझे क्या क्या चाहिए? भैया मेन डोर पे लगी है पटरिया, तो उसे निकालने के लिए चाहिए हैमर, और मेन डोर पे है एक इलेक्ट्रिक बोर्ड, उसे काटने के लिए चाहिए हमें कैंची, और उसके बाद भैया एक रड की भी चाहिए। फिलहाल मैंने चाबी फेंक के शोर मचाया है और मैं जेफ के नीचे आने का इंतज़ार करूँगा। ओए मुन्ना तू यहाँ रुका रहे, वो देख वो आ गया। हाँ भैया वो आया पर उसने हमें नहीं देखा, अब हम सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे भैया। ओए मुन्ना वो किचन में कुछ रखा हुआ था ना? हाँ भैया मैं उसे ही उठाने जा रहा हूँ, ये भी उठाता हूँ। क्या है ये? क्या है तू? हे भैया ये तो कैंची है। ओए मुन्ना क्या बात है, इस कैंची से क्या खोलेगा तू? भैया बताया था ना आपको वायर कटनी है। ओए मुन्ना मैं भूल गया था, एक काम कर तू यहाँ छिपा रहे, मुझे लगता है कि वो आने वाला होगा। हाँ भैया यहीं पे छिपा रहूँगा। ए जेफ के बच्चे, ए भैया वो जेफ आ गया। ओए मुन्ना जल्दी से भाग इधर से। हाँ भैया जल्दी से ही भागूँगा, मैं नहीं डरता हूँ जेफ से। ए जेफ के बच्चे दम है तो पकड़ के दिखाओ। ओए मुन्ना उसे चैलेंज मत कर, वो काफ़ी स्मार्ट है, वो हमें मार सकता है। भैया वो हमें नहीं मार पाएगा क्योंकि मैं उसका भी बाप, ये खटा वायर मैंने। ओए मुन्ना तो कैंची फेंक दे। नहीं भैया कैंची नहीं फेंकूंगा, बस कैंची को फेंक के एक बार शोर मचाऊंगा। ओए तूने कैंची फिर से क्यों उठा ली? भैया क्योंकि ऊपर भी इलेक्ट्रिक बोर्ड है, हाँ उसका भी वायर काटना है मुझको, आप समझते क्यों नहीं? ये देखिए जेफ आया था और मैं भागूंगा फिर से ऊपर और जाके वो वायर भी काट दूंगा, दूसरी वायर। ओए मुन्ना इस यानी हमारे 2 लॉक ख़त्म हो जाएंगे ना? हाँ भैया 2 लॉक ख़त्म हो जाएंगे, तो सिर्फ पटरिया निकालनी बचेगी और एक रेड की चाहिए होगी। ये खट दिया, अब कैंची की कोई ज़रूरत नहीं, शोर मचाई है मैंने, जेफ आने ही वाला होगा, मुझे इस गली से घुसना होगा। ये आ गया मैं नीचे। ओए मुन्ना अब तुझे क्या चाहिए? भैया देखता हूँ, बताया तो सही क्या क्या चाहिए पर देख लूँ
कहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है या नहीं है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इन ड्रॉस को चेक करता हूँ कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, फालतू जगह है। ओए मुन्ना मुझे लगता है कि सारी चीज़ें ऊपर वाले फ्लोर पे ही है, नीचे वाले फ्लोर पे कुछ भी नहीं होगा। भैया नीचे वाले फ्लोर पे कुछ नहीं होगा। फिलहाल मैंने फिर से शोर मचाया, जेफ के बच्चे आजा नीचे क्योंकि मुझे जाना है ऊपर। ओए जेफ मैं बुला रहा हूँ, जल्दी नीचे आ जा, हमें ऊपर जाना है। भैया इस तरह बोलोगे तो वो नहीं आएगा, दहाड़ के बोलिए। ओए मुन्ना दहाड़ निकल नहीं रही, डर रहा हूँ मैं। भैया आप भी मत डरिए, मैं हूँ ना आपके साथ, डरिए मत, मैं हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, और हम जेफ के घर से भाग के दिखाएंगे। ए जेफ कहाँ है तू, ऊपर मत आना। ओए मुन्ना इस कंप्यूटर रूम में तो कुछ भी नहीं मिला। भैया पता नहीं कौन सी चीज़ें कहाँ छिपा के रखी है इस जेफ के बच्चे ने। हिलहाल देखता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे। ओए मुन्ना ये तो हैमर है, इससे हम मेन डोर की पटरियाँ निकाल सकते हैं। हाँ भैया यहाँ पे शोर मची है और जेफ आने ही वाला होगा। ये देखिए शोर मचा दिया मैंने और मैं गया बिल्कुल नीचे, मैं उठाऊँगा ये हैमर। ओए मुन्ना चल मेन डोर से पटरियाँ निकालते हैं। हाँ भैया तो ढेर किस बात की, हाँ ये देखिए ये निकालूंगा पटरी। ए क्या बात है, अब इस हैमर को यहाँ फेंकूंगा ताकि शोर हो और जेफ यहाँ पे आए। ओए जेफ आजा आजा, मेरा भाई तुझे ललकार रहा है, दम है तो मैं पकड़ के दिखा, हम तेरी गिरफ्त से भागने वाले हैं। हे भैया हम तो ज़रूर भागेंगे क्योंकि हम है डॉन नंबर वन। ओए मुन्ना हम तो है ही डॉन नंबर वन, ये देख जेफ आ गया था, तू जल्दी से ऊपर चल और देख तुझे क्या चाहिए आखिरी चीज़। हाँ भैया आखिरी चीज़ तो सिर्फ एक की ही चाहिए और मुझे लगता है कि वो यहीं कहीं होनी चाहिए भैया, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा नहीं था, हमने सब जगह देखा यहाँ नहीं देखा। ए ये क्या है, हमें रेड की मिल गई है भैया, क्या बात है। ओए मुन्ना यानी हम अब इसके घर से भागने वाले हैं। हाँ भैया हम इसके घर से भागने वाले हैं, उसने हमें नहीं देखा, वो हमें इधर उधर खोज रहा होगा। अब वो शोर सुन के ऊपर आएगा क्योंकि इस रूम में है कैमरा जो शोर मचाता है किसी को देखता है तो, पर हमें अंदर नीचे जाना होगा भैया, हम आ गए हैं नीचे। ओए मुन्ना जल्दी से चल के वो रेड लॉक खोल दे। हाँ भैया अभी खोलता हूँ ना, ये खोला रेड लॉक और ये खोला दरवाज़ा और हम जेफ द किलर के घर के बाहर। ओए मुन्ना वो देख हाथ मलता रह गया और हम इसके घर के बाहर आ गए। हाँ भैया हम इसके घर से आज़ाद हो गए। ए जेफ फिर तुझसे मुलाकात नहीं होगी, बाय बाय जेफ। ओए बाय बाय जेफ। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज, और हमारे नए चैनल की सहायता कीजिएगा। ओए दोस्तों प्लीज़ मुन्ना की बात मान लीजिए, अब हमारी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।